हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा वांगजी होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता था अपने पेरेंट्स के जाने के बाद, इसलिए विभूषण उसे काम डाउन करता है और उसके साथ वक्त बिताता है। यहाँ पर उसकी जो पुरानी यादें थी वो उसके जहन से नहीं जाती कि किस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसे कभी भी देखने नहीं आते, फॉर्मेलिटी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना हर इंसान को छुपती हैं। जब हम किसी से उम्मीद लगा के रखते हैं और वो हमारी उम्मीदों को बिल्कुल फेल कर जाता है, हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। और वांगजी का भी इस वक्त अपनी फैमिली का रवैया देखकर इस तरह का बिहेवियर रखना कॉमन था, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं हो सकती। और वांगजी को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर उसकी मॉम का जो दिल था वो कहीं ना कहीं बैठा जा रहा था, क्योंकि उसकी मॉम को अब रियलाइज़ हो रहा था कि अगर उस दिन वांगजी को सच में कुछ हो जाता तो क्या होता। आज वो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? वो अपने दोनों बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं। और अगर वांगजी को ही कुछ हो गया या वो इस दुनिया में नहीं रहता तो उस पैसे का वो क्या करते? इतना बड़ा कारोबार वो किसके लिए कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, कमा रहे थे? डील्स पे डील्स रोज साइन करते हैं किन के लिए? अगर वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते तो वो कैसे पेरेंट्स हैं? यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसके फादर को वांगजी के, कि वो जैसे जैसे अपना गुस्सा थूक दे और वांगजी को कभी ना कभी विज़िट करे। लेकिन उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहते हैं कि आज के बाद मैं वांगजी को विज़िट करने कभी नहीं आऊँगा, तुम्हारा लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है। यहाँ पर वांगजी के पेरेंट्स और उनकी मदर फादर के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। उसकी मदर कहती है, अच्छा जब तक वो सब कुछ अच्छा कर रहा था और कमा के दे रहा था तब तक तो वो आपका बेटा था, और आज जब उसने अपने हक की बात मांग ली तो वो मेरा बेटा हो गया। वो चिल्ला के कहती हैं, अगर उस एक्सीडेंट में वांगजी को कुछ हो जाता तो कभी सोचा है क्या इस पैसे से जितना भी हम कमाते हैं उससे हम अपना बेटा वापस ला सकते थे? क्या इस पैसे से हम उसके पैर वापस ला सकते थे अगर उसके पैर कट जाते या कुछ हो जाता तो? या ज़िंदगी भर के लिए कुछ भी उसे हो सकता था। हम पैसा कमाने में इतने कैसे डूब सकते हैं कि हम अपने बच्चे को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दें? अगर वो डिप्रेशन में चला जाता, जैसे कि हम उसे विजिट नहीं करने जा पाते, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? यहाँ पर उसके फादर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम अपने बेटे से क्या मिल के आई हो, तुम ये इमोशनल डायलॉग क्यों मार रही हो, तुम्हें नहीं पता कि हम कमाते हैं तभी हम उसके बिल पे कर पा रहे हैं? तो उसकी मदर कहती है, हमने जो अभी तक कमाया है उससे ज़्यादा वांगजी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, और वांगजी अपनी कमाई हुई दौलत का ही कुछ पार्ट अपने इलाज पे खर्च कर रहा है, इसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इवन हमने तो उसे बिल्कुल ऐसे विजिट करना शुरू कर दिया था जैसे वो कोई हमारे दूर का रिश्तेदार हो, हमने कभी उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट ही नहीं किया बचपन से लेकर आज दिन तक, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर रहते हैं। उसके फादर कहते हैं, तो क्या हुआ, कमाते भी तो उनके लिए थे, अगर हम नहीं कमा रहे होते तो इतनी लग्जरी लाइफ उन्हें नहीं दे पाते। तो उसकी मदर कहती है, ऐसी लग्जरी लाइफ का क्या फ़ायदा जहाँ पर हम अपने बच्चों से ही नहीं मिल सकते। उसके फादर को समझा के थक जाती हैं, लेकिन उसके फादर इस वक्त मानना नहीं चाहते थे। तो शिचेन कहता है, मदर प्लीज़ आप शांत हो जाएं और फादर को ज़्यादा टेंशन मत दें, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। और वांगजी भी आज गुस्से में था, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, वैसे भी हमने एक महीने से उसे देखने नहीं गए थे, तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ था, क्योंकि वो पूरा दिन बिस्तर पे लेटा रहता है, उसके पास कोई होप नहीं होती। और मैं जानता हूँ कि जब से उसके पैरों में ज़्यादा चोट आई है और जब से डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि वो चल फिर नहीं सकता, उसके बाद उसे ज़्यादा गहरा सदमा लगा है। हम लोगों को ऐसे टाइम में अपना काम डाउन, अपना जो बीपी है वो हाई नहीं करना, बल्कि अपने आप का संयम बना के रखना है। उसकी मदर भी बात पे कहीं ना कहीं एग्री कर जाती हैं। यहाँ पर शिचन सोच रहा होता है कि सच में उसके भाई ने आज इमोशंस अपने बाहर निकाल दिए, लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि बचपन से आज दिन तक उसके पेरेंट्स कमाने में ही तो लगे हुए थे, आज वांगजी ने वैसे कुछ गलत तो नहीं कहा था, वो जैसे जीना भूल ही गए थे, उन्हें एक मशीन की तरह काम करना और फैमिली की तरह लोगों के सामने बिहेव करना होता है। पर क्या हकीकत में वो एक असली फैमिली की तरह बिहेव करते हैं? शायद कभी उन्होंने साथ बैठ के ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। साल में कितने सारे त्यौहार आते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि उसके पेरेंट्स किसी भी त्यौहार में उनके साथ हों? यहाँ तक कि क्रिसमस पे भी बहुत रेयर ही होता था कि वो लोग
अपनी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं। तो यहाँ पर शिचेन को समझ आ रहा था कि वांगची का पेन कैसा है, जो कि आज उसे तब रियलाइज़ हो रहा है जब वो एक्सीडेंट होने के बाद अकेला पड़ गया। तब उसके भाई को रियलाइज़ हुआ कि वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन उसमें ना ही कोई रस था, ना ही कोई मज़ा था, ना ही कोई अपनापन था, क्योंकि अपनेपन बिना प्यार की ज़िंदगी बेकार होती है। ये प्यार सिर्फ ऐसा ही नहीं जो हम किसी ऑपोजिट सेक्स से करते हैं, ये प्यार फैमिली का भी होता है, ये प्यार भाई बहनों का भी होता है, और ये प्यार हर रिश्ते का होता है, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, बाकी सारे। लेकिन वांगची और शिचेन को तो कभी ये प्यार नसीब ही नहीं हुआ। तो यहाँ शिचेन को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, वो खिड़की के बाहर देखने लगता है। खिड़की के बाहर कैसे, बाकी के पेरेंट्स अपने बच्चों को कंधे पे उठाकर जा रहे थे, कोई अपने बच्चों को हाथ पकड़कर लेके जा रहा था और कोई वॉकर में घुमा रहा था। उनका सारा बचपन तो नैनियों के साथ गुजर गया था, उन्होंने कभी ये चीज़ फील ही नहीं की। उनके पेरेंट्स ने उन्हें बचपन से ही नैनी के थ्रू पलवाया है, उन्हें हर चीज़ में जब भी कुछ चीज़ चाहिए होती थी, फादर ये पैसे दे दो, और उनके पेरेंट्स सीधा निकाल के दे देते थे, या जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती थी वो आ जाती थी। और यहाँ पर जब वो देखता है बाहर ही कि एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से खिला रही होती है, ये अनुभव तो उसने कभी नहीं किया, क्योंकि उसकी मॉम वर्कहॉलिक थी और उसकी मॉम उन दोनों बच्चों को नैनी के हाथ छोड़कर चली जाती थी। उन्हें हाथ खिलाने वाले जो हमेशा के लिए उठे वो सिर्फ नैनीस के थे, उसकी मदर के नहीं। यहाँ शिचेन को फील हो रहा होता है कि वांगजी को इस टाइम पे उसके मदर फादर की ज़रूरत थी, एक माँ जो अपने बच्चे का ख्याल रखती, उसके लिए अपने हाथों से बना हुआ गरम घर का खाना लाती। ऐसी चीज़ तो वांगजी को नसीब ही नहीं हुई। ऐसे डैड जो कि अपने बच्चे के एक्सीडेंट पे घबरा जाएं, उसके आसपास रहें, उसके चलने फिरने की दुआ करें, ऐसे तो उसके पेरेंट्स कभी थे ही नहीं। यहाँ पर शिचेन को बहुत दुख लगता है कि वांगजी ने आज पहली बार अपने दिल की बातें बोली, लेकिन उसकी दिल की बात शायद यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा भैरे हो गए हैं कि सुनना ही नहीं चाहते, या उन्होंने बहुत पहले ही सच्चाइयों से मुंह मोड़ना सीख लिया था, या उनके आँखों पे पैसे की ऐसी पट्टी पड़ गई है कि वो देखना ही नहीं चाहते। शिचेन को बहुत दुख होता है और उसे आज रियलाइज़ होता है कि एक भाई की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। उसने भी वांगजी को पिछले कुछ दिनों से बहुत इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर शिचेन समझ जाता है और वो मन में सोचता है कि वो कोशिश करेगा डेली, अगर वो टाइम निकाल सके तो वांगजी से फ़ोन पे बात करना, या उसे शेड्यूल करके मिलने जाने का वो ज़रूर सोचेगा, क्योंकि वांगजी कोई और नहीं, सड़क पर गिरा पड़ा कोई आदमी नहीं, उसका अपना भाई है। और सच में वांगजी ने जब कहा कि अगर वो मर जाता तो क्या होता, ये मन में ख्याल आते ही शिचेन डर जाता है कि अगर उसका भाई सच में ज़िंदा नहीं रहता तो वह आज किसे अपना भाई कहता। शायद पैसे और काम के ज़ोर ने उसे बदल दिया हो, लेकिन है तो सच बात ये कि वो दोनों ब्लड रिलेटेड हैं, दोनों भाई हैं, और अपने छोटे भाई को मरता कैसे शिचेन देख सकता था। आज उसे अपने भाई का पता नहीं कहाँ से डर जाग उठा और उसे समझ आने लगा कि अगर वो पैसा कमाता रहा और वर्कहोलिक होता रहा और अपनी ही लाइफ में बिजी रहा, तो कल को जब वो बूढ़ा होगा उसके पास बैठने के लिए वो भाई नहीं होगा। अगर उसके भाई को कुछ हो जाता है या उसका भाई ज़िंदगी में चल फिर नहीं पाएगा, तो शायद उसके भाई से वो कभी काम के दौरान नहीं मिलेगा, और जब वो रिटायर होगा उसके पास क्या होगा, सिर्फ पैसा, लेकिन बात करने के लिए लोग नहीं होंगे, दोस्त यार नहीं होंगे, और जो होंगे वो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके आगे पीछे घूमते होंगे। यहाँ पर शिचेन को चीज़ें और अपनापन थोड़ा समझ आता है, लेकिन वांगजी के पिता अभी भी बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, वो अपनी ही ईगो में बहुत ज़्यादा चूर होते हैं, और वो अभी भी सोच रहे थे कि वांगजी नॉनसेंस बातें कर रहा है, जबकि वांगजी की बातें नॉनसेंस नहीं थी। यहाँ विंग भी वांगजी, जो कि बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के जाने के बाद रोने लगता है, उसे काम डाउन करता है, उसे हक करके अपने पास बैठा रहता है। विंग वांगजी के सिर को सहलाता है। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, विंग उसे चुप कराता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। और यहाँ पर वांगजी को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि उसके लिए उसके बुरे टाइम में कोई नहीं था, लेकिन विंग ज़रूर था। हाँ, विंग ने आने में थोड़ी सी देर कर दी, लेकिन विंग जब से उसकी लाइफ में आया, विंग ने उसका साथ नहीं छोड़ा था, उसका हाथ पकड़ के रखता था, उससे प्यार करने लगा था। वांगजी को अब विंग से प्यार होने लगा था, और उसे डर सताता था कि अगर वो ज़िंदगी में चल नहीं पाया, अपने पैरों पर खड़ा नहीं पाया, तो शायद ये ना हो कि विंग भी उसे छोड़ के चला जाए। और उसे अब अपने लिए खड़ा होना था, उसे अपने लिए पूरी कोशिश करनी थी, ताकि वो पूरी ज़िंदगी विंग को इस तरह से अपनी फैमिली और
इस काम के बीच में रुलने ना दे। वो विंग का सपना पूरा करना चाहता था। वो चाहता था कि विंग अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे वो ओवर शिफ्ट करता है पैसा कमाने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। यहाँ पर वांगजी उसे देखता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरी जर्नी में मेरा साथ दोगे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, तुम इतना क्यों डरते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। फिर लंजा उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा, उसकी आँखें लाल थी, और वो देखता है और कहता है, क्या मैं ठीक हो गया तो उसके बाद तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगे? विंग कहता है, ऐसे कैसे कह रहे हो लंजा, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर काम में थोड़ा सा बिज़ी होऊंगा, तो हो सकता है मैं काम में ज़्यादा टाइम तुमको ना दे पाऊँ, लेकिन हाँ मैं वीकेंड्स पे तुमसे मिलना करूँगा, या तुम भी मेरे घर आ सकते हो। फिर वो थोड़ा सोच के कहता है, लेकिन मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर सकूँ, हम बाहर मिल लेंगे। लंजा कहता है, क्यों, तुम्हारा घर अगर छोटा है तो क्या हो गया? मैं भी तो इस छोटे से कमरे में पिछले कितने महीनों से हूँ विंग, लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। और तुम्हारा घर छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल उन महलों में रहने वाले लोगों से बहुत बड़ा है। तुमने मेरे उस वक्त काम आए हो जिस वक्त सब लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ दिए। तुम्हें पता है मेरी एक फ्यांसे थी जो कि मेरे मदर फादर ने ज़बरदस्ती मेरी मंगनी करा दी थी, और उन्होंने चाहा था कि मैं उस इंसान से शादी करूं। सोचो, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद वो लड़की कभी मेरे आसपास भी नहीं आई। उन्होंने मुझसे ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे वो मुझे जानती ही नहीं थी, जैसे मैं एक बर्बाद या बिल्कुल बेकार कागज का टुकड़ा हूं जिसे फाड़ के उसने एक कोने में फेंक दिया। विंग, तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम स्माइल करते हुए मेरे पास आते हो। तुम्हारी इस चार्मिंग स्माइल मुझे स्कूल डेज से ही बहुत अच्छी लगती थी। तुम बहुत ही ब्रिलियंट थे, लोग तुम्हें बुली करते थे, पर तुम ताकत के साथ उनका सामना करते थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं तुम्हारे पास भी नहीं बैठता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि मुझे अमीर लड़कों के साथ, अमीर दोस्तों के साथ रहना चाहिए, मुझे अमीर लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जिनसे आगे चल के हमारे बिजनेस में हमें फ़ायदा हो। लेकिन तुम्हें पता है उन अमीर लोगों के साथ मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था, इसलिए मैंने किसी को अपना ज़्यादा बहुत अच्छा करीबी दोस्त बनाया ही नहीं, क्योंकि वो लोग अक्सर मतलबी होते थे। वो सिर्फ इधर उधर की बात, इधर उधर की बिचिंग, दूसरों ने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या नहीं खाया, उन्हें इससे मतलब होता था और किसी चीज़ से नहीं। और तुम बहुत मेहनती होते थे, तुम अपने लिए दिन रात मेहनत करते थे, तुमने अपने पेरेंट्स के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। अगर कोई इंसान अपनों के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है, तो विंग मुझे तुम जैसा दोस्त हर जन्म में चाहिए, और सच में मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। विंग यहाँ पर लंजा को प्यार से देखता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है, उसके गालों को सहलाता है और कहता है, लंजा मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारी सूनी आँखें हुआ करती थी जब मैं स्कूल में देखता था, तुम्हारे चेहरे पे कभी भी कोई स्माइल नहीं होती थी, बल्कि मुझे तुम्हारे अंदर एक डर लगता था कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो शायद तुम्हें तुम्हारे फादर से, ब्रदर से डांट पड़ सकती है, इसलिए तुमने खुद को बहुत देर तक रोक के रखा। मैं जानता हूँ तुम भी किसी के दोस्त नहीं बन पाए, बहुत अमीर लोग थे हमारी क्लास में, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे का फन करते थे, एक दूसरे के साथ सिर्फ सोसाइटी की वजह से रहते थे, लेकिन उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, सब सेल्फिश थे, और इसलिए मैं जंगछा के साथ ज़्यादा रहता था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपने काम में, अपने चीज़ों में आगे निकल गया, और मुझे अपनी फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों में पीछे रहना पड़ा। लेकिन शिजे हमेशा मुझसे बातें करती थी। जंगछा की जो सिस्टर हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और शिजे मेरा बहुत ख्याल रखती थी। बुरे टाइम में शिजे ने मेरी बहुत मदद की, और यहाँ तक कि मेरी इस जॉब के लिए भी शिजे ने मेरे को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, और शिजे मेरी स्ट्रेंथ थी। उसी तरह से अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त होता तो तुम इतना लोनली फील नहीं करते। मैं जानता हूँ, मैं जब से तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी फैमिली तुम्हें विज़िट करने नहीं आई थी, मैं ये चीज़ देख सकता था, और तुम्हारे ना ही ब्रदर तुम्हें कभी विज़िट करने आए, क्योंकि तुम लोगों के अंदर कभी भी वो फैमिली से प्यार या जुड़े रहने की फीलिंग नहीं है। तुम्हें पता है
वी वांग जी, जब भी मैं कभी लेट हो जाता हूँ ना तो मेरी मदर फ़ोन कर देती हैं। जब भी मैं खाना नहीं खाता तो वो पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता है और वो फ़ोन करके हमेशा पूछती हैं कि क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने अपना टिफ़िन फिनिश किया। और जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो मेरी मॉम अक्सर अपनी गोदी में मेरा सर रख के मेरा सर दबा देती हैं। हालाँकि मैंने अपनी मॉम की, डैड की बहुत मदद की है, बहुत सेवा की है, लेकिन पता नहीं कैसे वो होता है ना, एक माँ बाप को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा खुश है, नहीं है, थका हुआ है, नहीं है। पता नहीं कैसे मेरी मम्मी और मेरे पिताजी को पता चल जाता है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हम गरीब हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, और ऐसा नहीं है कि खाली गरीब फैमिली में ही इमोशंस होते हैं। मैंने बहुत से रिच फैमिली में भी इमोशंस देखे हैं, जैसे कि जंगचा के पेरेंट्स, जंगचा के फादर अपनी बेटी जियांग यानली से बहुत प्यार करते हैं। शिजे बहुत अच्छी हैं और अंकल जियांग उसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे ही मैडम यू हमारे जंगचा को बहुत प्यार करती हैं। जंगचा को क्या चाहिए क्या नहीं, जंगचा के लिए फ्यूचर में क्या अच्छा होगा क्या नहीं, वो सब जानती हैं, क्योंकि जंगचा थोड़ा सा लापरवाह है और थोड़ा सा एग्रेसिव है। इसलिए मैडम यू उसके साथ हमेशा रहती थी और अक्सर उसे फ़ोन करके उसने क्या खाया क्या नहीं वो भी पूछा करती थी। हालांकि रिच वो भी हैं वांग जी, लेकिन वो अपनी फैमिली को चलाना जानते हैं। वो अपने बच्चों को छुट्टियों में घुमाने लेके आते थे, और वो छुट्टियों में जब अपने बच्चों के साथ घूमने जाते थे तो कभी भी वो वहाँ पर बिजनेस डीलिंग नहीं करते थे, बल्कि वो पूरा बच्चों को टाइम दिया करते थे। और मैं जानता हूँ कि तुम उन सबकी क्रेविंग रखते हो, तुम्हारे अंदर आज भी लालसा है कि तुम्हें भी वैसा फैमिली वाला प्यार मिले। पर कोई बात नहीं वांग जी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इतनी चीज़ों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी सब मिलेगा। तुम हौसला रखो, और मैं जानता हूँ तुम हर चीज़ में बहुत अच्छे हो और बिजनेस में तो तुम सबसे अच्छे हो। मैं जानता हूँ तुम पार्टीज़ अटेंड नहीं करते, तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं, और मुझे लगता है इंसान पार्टीज़ या सब चीज़ें तब अटेंड करता है जहाँ उनके मनपसंद के लोग होते हैं। वो तभी वहाँ उस चीज़ को एंजॉय करता है जब उसके साथ बैठने वाला इंसान उसे समझता हो, उसके साथ पैसे के लिए या किसी मॉनेटरी टर्म्स के लिए नहीं हो बल्कि दिल से उसके साथ हो, तब हर चीज़ अच्छी लगती है। चाहे वो ठेले पे गोलगप्पे खाना हो या फिर एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के एक अच्छा 5-course meal खाना। और मुझे पता है कि तुम्हें वो चीज़, वो सुकून उन लोगों के साथ नहीं मिलता था, बट डोंट वरी, मेरे से जितना होगा मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। वांग जी वींग को अपने पास आने के लिए कहता है। वींग समझ नहीं पाता कि वांग जी आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। वांग जी उसे अपने पास बुलाता है। वो वींग के दोनों ग्वालों को अपने हाथ से पकड़ता है। वो वींग की आंखों में देखता है और वींग को ऐसी ही कंडीशन में वो कह देता है, वींग आई लव यू। वींग शॉक्ड रह जाता है। वांग जी कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ वींग। वींग मैं तुम्हें पहले भी बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं डरता था कि लोग क्या समझेंगे, हम दो लड़के हैं, लोग क्या सोचेंगे। पर आज मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने जब उस लड़की से मेरी वो फियांसे बनी तो मुझे उससे कभी प्यार नहीं था। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता आया। मैं पिछले जब से यहाँ पर हूँ मैं हमेशा तुम्हें याद करता था। मैं चाहता था कि मैं जंगचा से कॉन्टैक्ट करूं, तुम्हारे बारे में पूछूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। पर इन सब बुरे दिनों ने मुझे एक चीज़ सिखा दी कि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा वींग। और वींग अब मैं किसी से नहीं डरता। मैं बहुत जल्दी ठीक होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बाद तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हारी फैमिली का ख्याल रख सकूं। वींग कहता है, लंजा पर हम दो मर्द हैं। लंजा कहता है, मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता वींग कि हम दो मर्द हैं या नहीं हैं। अगर मुझे इस बेरहम ज़िंदगी ने एक चीज़ सिखाई, अगर मैं रहूं ही ना तो मैं क्या पसंद करता हूं क्या नहीं, दुनिया को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। शायद लोगों को मेरे मरने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2 दिन रोएंगे और भूल जाएंगे। लेकिन मैं जीते जी जिसे पसंद करता हूँ, जिसके साथ रहना चाहता हूँ, अगर मैं उसके लिए जी जान लगाऊँ, दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा वींग, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने प्यार को पा सकता हूँ तो मैं पाना चाहता हूँ। और
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मैं तभी तुम्हें कोर्ट करूँगा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है तो मैं तुम्हें कभी फोर्स भी नहीं करूँगा, क्योंकि प्यार का मतलब पाना नहीं होता और ज़बरदस्ती पाना तो बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते किसी और से करते हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम उस इंसान के साथ खुश रहो, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं तो मैं अपना 100% देना चाहूँगा जहाँ तुम मुझे कबूल कर सको। वो विंग से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कोई पार्टनर है? विंग विंग उसकी तरफ देख के मना कर देता है। फिर वो विंग से पूछता है, क्या क्या तुम? विंग कहता है, मुझे लड़के पसंद हैं लंजा, मुझे लड़कियों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सच बोलूँ तो स्कूल टाइम से ही मुझे तुम बहुत अच्छे लगते थे, पर वो प्यार नहीं था। मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह हमेशा अपने पास पाना चाहता था, और अब जब तुम मुझे उस दिन यहाँ दिखे मुझे सच में बहुत दुख हुआ कि मैंने तुम्हें पहली बार इतने सालों में देखा तो ऐसे देखा। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। तुम्हारी आंखों में पहले एक एक अधूरापन दिखता था, लेकिन अब जब तुम मेरी साइड देखते हो तो मुझे तुम्हारी आंखों में एक खुशी, एक उम्मीद दिखती है, और मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। लंजा, मैं हमेशा अकेला रहा, मैंने हर चीज़ अकेले सही। हाँ, शिजे मेरे साथ थी पर वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। और लंजा, आई लाइक यू। वक्त रहते रहते मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम अमीर हो या फिर तुम ऐसी कंडीशन में हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम अमीर हो, इसलिए क्योंकि तुम ह्यूमन हो, तुम में इंसानियत है, और तुम कठपुतली नहीं हो। चाहूँ तो मैं किसी को भी पसंद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे पैर जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर तुम ऐसे भी रहते तब भी मैं तुम्हें कबूल कर लेता। हाँ, थोड़ा सा वर्कलोड मेरे ऊपर ज़्यादा हो जाता, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे लिए कमा सकता हूँ, तुम्हें खिला सकता हूँ। मैं चाहे ओवरवर्क कर लूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यहाँ पर वांगजी जो है वो विंग के गालों को थोड़ा आगे करता है और विंग के लिप्स पे किस कर देता है। यहाँ पर दोनों थोड़ी देर तक इसी पोज में रहते हैं, ना विंग पीछे होता ना वांगजी अपने लिप्स को उसके लिप्स से हटाता। वो एक बेबी किस थी जो उसने उसके लिप्स पे की, और थोड़ी देर तक दोनों के लिप्स ऐसे ही जुड़े रहते हैं, ना ही वो आगे किस करते ना ही कुछ बोलते। और वांगजी यहाँ पर विंग के माथे से अपने माथे को टच करके कहता है, आई लव यू विंग। विंग भी प्यार से उसकी तरफ देखता है, वांगजी की आंखों से कुछ बूंदें छलक गई थी। विंग कहता है, आई लव यू टू लंजा, और तुम्हें तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। वो वांगजी के सिर को सहलाता है, उसे फिर से लेटाता है और वांगजी के माथे पे किस कर देता है। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारे लिप्स पे। विंग उसके लिप्स पे अपने हाथ रख के उसे चुप कराता है और कहता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी ये मेरी फर्स्ट किस थी, और तुमने मुझे बस एक छोटे बच्चे की तरह बेबी किस ही किया है, तुमने कोई गलत नहीं किया। वैसे भी जब छोटे बच्चे हमें बहुत क्यूट लगते हैं तो हम उन्हें किस कर देते हैं, और मुझे पता है आई एम वेरी क्यूट लंजा, तो मुझे पता है तुमसे रहा नहीं गया होगा। लंजा कहता है, हट बदमाश, तुम बिना विंग वैसे तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे? विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हें धोखा? जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, मेहनत की कमाई है, अपने आदर्शों पे चला है, और जिसने लोगों की मेहनत मदद की है, अपनी फैमिली के आदर्शों पे रहा, अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करता है, तो मैं लगता है वो इंसान धोखेबाज हो सकता है। लंजा कहता है, आई नो, मेरा विंग कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। यहाँ पर विंग कहता है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस आज तुम्हें विज़िट करने आया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुमने अपना दिल खोल के गुमार निकाल लिया। तुम्हारी फैमिली भी एक ना एक दिन चीज़ें समझेंगी। लंजा कहता है, अब वो समझें या ना समझें, बट अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लैंड ग्रुप्स को लेकर लोग क्या कहते हैं, कि लैन ग्रुप के छोटे बेटा गे है या नहीं है, मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और मैं गे हूँ नहीं हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। शादी तुमसे करूँ ना करूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान के साथ रिलेशन में रहूँगा, और एक इंसान से ही प्यार करता रहूँगा, वो तुम हो। समाज हमें राइट दे ना दे, लेकिन मेरे दिल पे सिर्फ तुम्हारा हक है, था और हमेशा रहेगा विंग, ये याद रखना। विंग कहता है, आई नो लंचा, और डोंट वरी,
तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे, मैं भी तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा रहूँगा, तुम्हें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डोंट वरी, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो ना हो, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा लंजा। और बस, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी फैमिली की उतनी ही परवाह करता हूँ जितनी मैं अपनी पेशेंट्स की परवाह करता हूँ, तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता। वांगजी कहता है, जब मैं फ्यूचर में ठीक हो जाऊँगा तो मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मदर फादर का पूरा ख्याल रखूँगा, क्योंकि मुझे वो प्यार मेरी फैमिली से तो नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली से वो पूरा हक लूँगा और तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार चुरा लूँगा। विंग हंसते हुए कहता है, पागल, तुम मेरे हिस्से का प्यार क्या चुराओगे, वो तो वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे, मेरी मदर हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती हैं और तुमसे सच में वो बहुत सारी बातें करना चाहती हैं। देखो मदर ने, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ गर्म खाना भिजवाया है। और वो वहाँ पर उसे गूंद के लड्डू देता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म थे और वांगची को इस मौसम में बहुत मदद करने वाले थे। वांगजी उन्हें खाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी मदर ने उसके लिए कभी भी कुछ भी कुक नहीं किया। और वांगजी को विंग की मदर के हाथों का जो प्यार था वो बहुत अच्छे से नज़र आ रहा था उन लड्डू की फॉर्म में, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम दिल से उसके लिए खाना बनाते हैं और दिल से भेजते हैं। और वांगजी ने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं थी क्योंकि उनके घर में सारे सर्वेंट्स ये सब लोग ही खाना बनाते थे, तो आज लिटरली उसे दिल से महसूस होता है कि फैमिली क्या होती है। कभी कभी हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए या अपने माँ बाप के लिए कुछ हमें दिल से ज़रूर बनाना चाहिए, थोड़ा वक्त निकाल के, ताकि उन्हें भी एक सुकून मिले, एक खुशी मिले, अपने बच्चे या अपने माँ बाप के हाथ से खाने का उन्हें एक एक्सपीरियंस मिले और उन्हें सच में प्राउड फील हो। तो ऐसा हमें अक्सर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और थोड़ा सा अपनों को भी स्पेशल फील कराना चाहिए। यहाँ पर वांगजी को बहुत स्पेशल फील होता है और वो सच में दिल से मतलब आज उसकी खुशी के आंसू निकलते हैं। विंग उसके आंसू पोंछता है और कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम रो क्यों रहे हो? लंजा कहता है, ये बहुत स्वाद है। तो विंग कहता है, कभी कभी किसी को देखा है स्वाद खाना खाते हुए रोकर दिखा है? तुम बिना, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें मीठे गूंद के लड्डू नहीं दिए हों बल्कि कोई मिर्ची वाले लड्डू दे दिए हों। चलो रोना बंद करो। वांगजी विंग को वो चीज़ नहीं बता सकता था जो वो एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन उसके लिए ये मोमेंट बहुत प्यारा था, बहुत स्पेशल था और बहुत अच्छा था। वो विंग को अपने आंसू पोंछ के कहता है, ये सबसे स्वादिष्ट लड्डू हैं जो मैंने अभी खाए हैं। विंग हंसता है और कहता है, तुम तो बड़ी बड़ी 5-स्टार होटल का खाना खा चुके हो और तुम्हें मेरी मॉम के हाथ के लड्डू सबसे अच्छे लग रहे हैं। वांगजी कहता है, ये बेस्ट है विंग, और इनमें से मैं एक भी तुम्हें नहीं दूंगा। विंग मुंह बनाता है और कहता है, एक दो तो मुझे देने होंगे वरना मेरी मॉम नाराज़ हो जाएगी कि तुमने उनके बेटे को भूखा रखा। वांगजी विंग को कहता है, सिर्फ एक लड्डू। विंग कहता है, दो। वांगजी कहता है, ओनली वन, कह दिया ना। विंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं घर जाके बाकी के खा लूँगा, चलो एक लड्डू तो दो। वो वांगजी से एक लड्डू लेता है और खाने लगता है और कहता है, वैसे मदर सबसे टेस्टी लड्डू बनाती हैं, अगर तुम्हें भूख लगे तो बताना, गाजर का हलवा आया है इस बार और वो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और नर्व्स के लिए भी। मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए लेस ऑयली वाला लेके आऊँगा जिसमें घी वगैरह थोड़े कम हो लेकिन नट्स वगैरह बहुत अच्छे से डले हों। वांगजी कहता है, मुझे तुम्हारी मदर के हाथ की कुकिंग की हुई जो खाना है, जो फूड है, वो बहुत अच्छा लगा। विंग कहता है, श्योर, मेरी मॉम है ही इतनी अच्छी, मेरी मॉम सबसे बेस्ट है। वांगजी कहता है, आंटी को मेरा बहुत सारा प्यार देना और उन्हें कहना मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा था। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, डोंट वरी, मैं मदर को कह दूंगा। वो मज़े से लड्डू खाने लगता है। फिर वो वांगजी के पैरों की मालिश करता है जो ऑयल उसने बनाया था उससे, और उसके बाद वो वांगजी को सोने के लिए कह देता है। वांगजी जो कि थक चुका था, वो वांगजी के लिए वहाँ पर प्यार से दलिया वगैरह मंगवाता है, कुछ वेजिटेबल्स मंगवाता है खाने के लिए जो वांगजी के लिए सूटेबल थी, और टोफू मंगवाता है। वांगजी वो सारी चीज़ें खाता है। विंग उसे प्यार से गुड नाइट बोलता है, गुड बाय बोलता है, और वो कहता है कि वांगजी आज मुझे फैमिली के साथ वक्त बिताना होगा, मैं जाऊँ? वांगजी प्यार से स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। वांगजी जानता था कि उसके लिए अकेलापन बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसे पता था विंग के पेरेंट्स को भी उनकी बेटी की ज़रूरत है। विंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी खिड़की से देखता है। विंग जाते जाते उसे एक बुक
ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि इसे ज़रूर पढ़ना, तुम्हारा टाइम पास बहुत अच्छा होगा। एक फ़नी सी वो वेबटून्स की उसे एक प्यारी सी सीरीज़ देता है कि तुम ये देखो, तुम्हारा मस्त टाइम पास होगा। और लिटरली वांगजी उस चीज़ को देखने लगता है और पढ़ने लगता है, और उसे पता ही नहीं चलता उसका बुरा दिन कैसे निकल गया। विंग ने उसे लिटरली बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भेजे थे। विंग जब भी छुट्टी लिया करता था वो वांगजी को इसी तरह की चीज़ें भेज दिया करता था, ताकि वांगजी का जो सारा दिन है ना वो जैसे तैसे पढ़ने में या कोई चीज़ करने में बीत जाए। क्योंकि जब हम कहीं अपना ध्यान लगा देते हैं ना, तो अगर हमें किसी की कमी खल रही है या कोई चीज़ हर्ट कर रही है, वो चीज़ वहाँ पर हमारा दिमाग नहीं रहता, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं रेदर देन किसी चीज़ पे गुस्सा करने के या किसी चीज़ को कोसने के, और इससे बंदा डिप्रेशन में भी नहीं जाता। तो बीइंग अक्सर ऐसी चीज़ें करता था जिससे जो वांगजी का माइंड है वो ऑक्यूपाइड रहे किसी और जगह, और वांगजी जो है वो बिज़ी रहे किसी और काम करने में। जैसे कि वो उसे एक गेम दे दिया करता था कि वांगजी तुम्हें इतने लेवल तक पहुंचना है। वांग जी उस चीज़ को बहुत ही प्यार से लिया करता था। कभी कभी विंग उसे एक अच्छी मूवी, जो कि एक बहुत अच्छी फैमिली ओरिएंटेड मूवी हो या जिस मूवी से कोई लेसन सीखने को मिले, इस तरह की चीज़ें भेज देता था कि वांग जी उसे देखे, वो मोटिवेट हो, उसका मोराल जो है वो डाउन होने की बजाय ऊपर जाए। और वांग जी एक बहुत ग्रेट एनर्जी के साथ जो था उसके बाद उस चीज़ से मोटिवेट होकर, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर कर उस चीज़ से, अपने गम से, अपने दुख से, जो उसकी टांगों का दर्द था या वो डिप्रेशन में ना जाए, से हटकर वो चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है और वो इस दर्द से उभरता है। धीरे धीरे वांगची को विंग थेरेपिस्ट के थ्रू और जो उनके बाकी के ट्रीटमेंट थे उनके थ्रू खड़ा करने की कोशिश करता है। पहले वांगची की उंगलियों में हलचल होती है, फिर उसकी टांगे मुड़ने लगती हैं, और ऐसे ही 6 महीने पार होते हैं जब वांगजी धीरे धीरे करके चलने भी लग जाता है। विंग अक्सर उसे अपने कंधों पर लाद कर चलाया करता था। पहले तो वो सपोर्ट के लिए चीज़ें यूज़ करते थे, और धीरे धीरे वांगजी को वो चलने में हेल्प करने लगा। वांगजी को दर्द तो होता था, लेकिन विंग कॉन्स्टेंटली उसके पैरों की मालिश करता था। वांगजी को अपने पैरों पे खड़े होने पे जो सबसे ज़्यादा एफर्ट डाले गए वो डॉक्टर्स विंग और बाकी नर्सेस के थे, जो वांगजी की पूर्ण रूप से मदद करती थी। जब वो बेड रेस्ट पे था, उसे बेड पे ही वॉशरूम वाली पूरी फैसिलिटी देने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए उसकी बॉडी को, उसे हमेशा बेड पे ही बात कराने के लिए, उसके सिर वर धोने के लिए, उसके खाने का इंतज़ाम कराने के लिए, A to Z फैसिलिटीज़ डॉक्टर के अंडर केयर में होती थी। और विंग उसके लिए अच्छा स्पेशल स्पाइसेस वाला, जो स्पाइसेस मतलब जो हमारे एंशियंट मसाले होते हैं उनसे बनी हुई जो तेल होता है वो लेके आया करता था, ताकि गर्म तेल से उसकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जो है खून दौड़े और वो जल्दी ठीक हो जाए, जिसकी वजह से वांगची पे ये सारी काम आने लगे थे, ये ट्रिक्स काम करने लगी थी। थोड़ा खाना उसे ऐसा दिया जाता था जिससे उसकी नर्व्स जो होती थी वो अच्छे से काम करे। और लिटरली वांगची 6 महीने के अंतराल में अपने पैरों पे खड़ा होके बेबी स्टेप ही सही चलने लगा था, जो वांगची शायद विंग के आने से पहले अपनी होप खो चुका था, अपने मरने की दुआ मांग रहा था। वो वांगजी विंग के आते ही चेंज हो गया। और गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब भी लाइफ में आप लो फील करें ना, आप उस इंसान को देखें जिसके सिर पे छत भी नहीं है, उस बच्चे को देखें जिसके सिर पे माँ बाप का हाथ नहीं है, या अगर आप बिल्कुल लो फील कर रहे हैं तो आप उन माँ बाप को देखें जिनके जवान बच्चे आर्मी में फौत हो जाते हैं, डेथ हो जाती हैं, तो आप सोचें कि उनसे आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपके पास सब कुछ है। और कभी भी डीमोटिवेट हो, लाइफ में बहुत बुरा वक्त जा रहा हो, आपको लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिगड़ रहा है, हर जगह से हेट्रेट मिल रही है, तो हमेशा सेल्फ मोटिवेट करें। क्योंकि अगर जब तक आप खुद की कीमत नहीं जानेंगे, खुद की वैल्यू नहीं जानेंगे, आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। इसलिए दूसरों से खुद की वैल्यू करवानी है तो पहले खुद की वैल्यू करना सीखें। और अगर आप चाहते हैं दूसरे आपके जज्बात की कीमत पहचाने, तो आपको उनके साथ भी पोलाइट, अच्छा, हम्बल रहना है, उनको भी इज्जत देनी है, ताकि आप खुद से
ताकि आप उनकी नज़रों में इज़्ज़त कमा पाएँ। और टिप ऑफ द डे मैं आज के लिए गाइस देना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स बन चुके हैं, जिनके बच्चे हैं घर में, वो अपने बेटे को एक चीज़ हमेशा सिखाएं, उसकी किसी से भी लड़ाई हो तो बच्चे को सॉरी और थैंक यू आना चाहिए रेदर देन ईगो रखने के। क्योंकि जब मतलब आज मैं कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रही थी, वहाँ पे मेरे पढ़ने में आया कि जो इंडियन लड़के होते हैं उनमें बहुत ईगो होता है और वो इजीली सॉरी नहीं बोलते। और ये चीज़ मैंने भी पर्सनली बहुत बार नोटिस की है, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोग जल्दी से सॉरी नहीं बोलते। ईगो हम अपने लड़के के अंदर डाल देते हैं कि तुम लड़के हो तुम ऐसे नहीं झुकोगे। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी इंडियन बहनें हैं वो अपने भाइयों को ये चीज़ सिखाएं, पोलाइट बनाएं, और जितने भी मदर बन चुकी हैं वो हमेशा बचपन से अपने बेटे को सिखाएं कि हमेशा दूसरी लड़की के लिए पोलाइट रहना है, गंदी नज़र से नहीं देखना, ताकि इससे फ्यूचर में जब वो बड़ा होगा वो सेम सीख उसके साथ रहेगी तो वो किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखेगा और हमेशा सॉरी ज़रूर बोलेगा। तो ये सीख हमें आज से ही अपने बच्चों को देनी है और बच्चों को हमेशा सिखाना है कि नमस्कार करें, दूसरे का आदर करें, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे दूसरे भी आपका आदर सत्कार नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे प्यार देने के लिए। और ये मेरी छोटी सी टिप ऑफ द डे थी, मैं बस ये चीज़ मैंने कहीं से सुनी और मैं चाहती थी कि मेरे इंडियंस जो भी भाई बहन हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों में कभी कोई ये ना कह दे कि यार इंडियन ऐसे हैं ऐसे हैं, मुझे अपने देश और अपने देशवासियों से बहुत प्यार है। तो बस ये छोटी सी टिप ऑफ द डे थी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।